हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीए इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे छठा पार्ट वीडियो। इसके पहले हम लोगों ने 5 पार्ट तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जो भी छात्र उस वीडियो को अभी नहीं देखे हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक एक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। ओके, ये सभी वीडियो इम्पॉर्टेंट हैं, ये सीरीज ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस सीरीज को तैयार कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ओके, तो चलिए हम देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं, यानी पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तभी जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, अच्छे मार्क अपने एग्जाम में ला सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। वीडियो को पूरा देखें, जब वीडियो पसंद आए तब लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना। ओके, क्वेश्चन नंबर है 251। इसके पहले हम लोगों ने 250 क्वेश्चन इसके पहले वाले पार्ट में 5 पार्ट में पढ़ लिया था। ओके, तो 251 नंबर है, क्वेश्चन कह रहा है 1914 में जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ओके, तो इसमें आपको बताना है किस महीने में की थी, किस तारीख को की थी। चार ऑप्शन दिए हैं, 29 जुलाई को, 1 अगस्त को, 3 अगस्त को या फिर 4 अगस्त को। देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 अगस्त, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 28 जून 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया विश्व युद्ध। और जैसा कि पूछा जा रहा है इसमें कि जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध कब युद्ध की घोषणा की थी, वो 3 अगस्त को। 4 अगस्त को इंग्लैंड और जर्मनी के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इसी तरह 6 अगस्त को ऑस्ट्रिया और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इसी प्रकार युद्ध बढ़ता गया था। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 252। क्लेमांसू ने वर्साय संधि में किस देश का प्रतिनिधित्व किया। चार ऑप्शन है, फ्रांस, अमेरिका, जापान, इटली। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस, तो ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लेमांसू ने वर्साय संधि में किस देश का प्रतिनिधित्व किया था, फ्रांस का। ओके, अब समझते हैं वर्साय की संधि क्या है। देखिए, वर्साय की वह संधि है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करवाया। आप यह कह सकते हैं कि इसने प्रथम विश्व युद्ध को तो समाप्त करवाया लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण बन गया। ये कैसे हुआ ये समझ लीजिए। देखिए, आपको ये जानकर हैरानी होगा कि ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बना। जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हो गया, पूरी तरह से परास्त हो गया, तो क्या हुआ था कि एक समझौता हुआ जिसे वर्साय की संधि कहा जाता है। वर्साय की संधि में जो निर्णय लिए गए वो जर्मनी के विरुद्ध लिए गए, यानी जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया उसको। तो जर्मनी की काफ़ी ज़मीनें चली गई, उनको सेना पर अधिक सेना रखने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप इससे अधिक सेना नहीं रख सकते। तो बहुत सारे रीजन थे कि जो जर्मनी के विरुद्ध कार्य किए गए, तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना ये वर्साय की संधि। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 253। 1823 ईस्वी की मुनरो घोषणा किस देश के द्वारा की गई थी। इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमेरिका, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1823 की मुनरो घोषणा किस देश के द्वारा की गई थी, अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है सभी को, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग, डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अमेरिका। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 254। शांति स्थापना के लिए अमेरिका राष्ट्रपति विल्सन ने सिद्धांतों की घोषणा की, इसमें कितने सूत्र थे। शांति की स्थापना के लिए विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की शांति की स्थापना के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने सिद्धांतों की घोषणा की थी, इसमें कितने सूत्र थे, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10, 14, 18, 22। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 14। कितने सूत्र थे, 14। हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां आप इसका पीडीएफ विद आंसर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आंसर भी आपको दिया होगा, आंसर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लो समझ लो के नाम से है,
उसमें हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं, वीडियो भी शेयर कर देते हैं, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं सभी वीडियो का पीडीएफ। ओके, तो आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया होगा। तो देखते हैं 255 नंबर क्वेश्चन कि किस वर्ष 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया के सर्बिया के विरुद्ध घोषणा युद्ध की घोषणा की। ओके, तो बताना है किस वर्ष 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इसके पहले हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कब हुआ था, 1914, 1916, 1920 और 1922। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1914, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। ओके, याद रखेंगे, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 256, प्रथम विश्व युद्ध में 3 नवंबर 1918 को कौन सा युद्ध से पृथक हो गया, यानी कौन सा देश युद्ध से पृथक हो गया, ये पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तुर्की, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रिया हंगरी, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में 3 नवंबर 1918 को कौन सा देश युद्ध से पृथक हो गया था, ऑस्ट्रिया और हंगरी, याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 28 जून 1914 ईस्वी को। कब हुई थी, 28 जून 1914 ईस्वी को। समाप्ति कब हुई थी, 11 नवंबर 1918 को। कब समाप्त हुई थी, 11 नवंबर 1918 को। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 वर्ष 3 माह 11 दिन ये युद्ध चला था, कितने, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 257, प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का विदेश मंत्री कौन था, कैसलरे, मेहमत अली, एडवर्ड ग्रे, ब्रियां। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का जो विदेश मंत्री था वो था एडवर्ड ग्रे, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 258, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का कारण नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपको पता ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण कौन सा नहीं हो सकता, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, गुप्त संघ, गठजोड़ व्यवस्था। ओके, तो ये प्रथम विश्व युद्ध का कारण नहीं हो सकता, तो ए आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 259, जनवरी 1871 में वर्साय के एक समारोह में कौन सा जर्मन शासक घोषित किया गया था, बाल्कंस, गैरिबाल्डी, मैटरनिक, प्रसा का राजा विलियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रसा का राजा विलियम। जनवरी 1871 में वर्साय के एक समारोह में कौन सा जर्मन शासक घोषित किया गया था, प्रसा का राजा था विलियम। ओके, तो डी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 260, वर्साय की संधि कब हुई थी, 1918 1919 1920 1921। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है 1919 कब हुई थी, 1919 में 28 जून 1919 में वर्साय की संधि हुई थी। ओके, तो याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 261, वर्साय की संधि किनके बीच हुई थी, वर्साय की संधि किनके बीच हुई थी, ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच, प्रसा जर्मनी के बीच, जर्मनी ब्रिटेन के बीच, या मित्र राष्ट्र जर्मनी के बीच। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच। वर्षा की संधि किसके बीच हुई थी, मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच, तो डी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 262, वर्षा की संधि वाले दस्तावेजों में भाग थे तथा अधिनियम व अनेक अनुलग्न थे, ये बताना है कितने। चार ऑप्शन है, 15,440, 20,540, 25,640, 35,740। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15,440। ओके, जो वर्षा की संधि हुई थी, है ना, वर्षा की संधि किसके बीच हुई थी, मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच हुई थी। तो वर्षा की संधि जो मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच हुई थी, कब हुई थी, 28 जून
19 ईस्वी को। इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं इनकी, जैसे जर्मनी की कोयले की जो खदानें थी वो 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया था। ओके, इसमें यानी आप ये कह सकते हैं कि जो वर्षा की संधि थी वो जर्मनी पर ज़बरदस्ती थोपा गया था, उसको ज़बरदस्ती लागू करने का प्रयास किया गया था। जर्मनी से जो हस्ताक्षर करवाया गया था वर्षा की संधि पर, ये ज़बरदस्ती करवाया गया था, तभी तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था ये, है ना। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत बेकार चीज़ें थी जो जर्मनी के खिलाफ थी, जैसे जर्मनी की जो कोयले खदानें अभी हमने बताया कि 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया था। जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्र जो मित्र राष्ट्रों को दे दिया गया था, उन्होंने हथिया लिया था इसको। जर्मनी में को 1 लाख से अधिक सैनिक रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, बोला भाई कौन, मित्र राष्ट्र बोला कि ये अब 1 लाख से ऊपर सैनिक नहीं रखेगा। कौन नहीं रखेगा? जर्मनी। तो फिर जर्मनी इसी तरह से, इसी सब कारणों से वो व्याकुलता से उलझ गया और फिर एक बड़ा कारण बनकर खड़ा हुआ द्वितीय विश्व युद्ध का। ओके, तो धीरे धीरे हम आगे आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे, जैसे भी क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 263, न्यूली की संधि कब हुई थी? न्यूली की संधि कब हुई थी? ओके, तो 4 ऑप्शन है, 1919, 1929, 1939, 1940। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1919। तो आप कहेंगे सर वर्षा की भी संधि 1919 में हुई थी। हाँ, वर्षा की संधि भी 1919 में हुई थी, न्यूली की संधि भी 1919 में हुई थी, पर महीना अलग है, है ना, मंथ अलग है। 28 जून 1919 को वर्षा की संधि हुई थी, 27 नवंबर 1919 को न्यूली की संधि हुई थी। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि न्यूली की संधि किसके बीच हुई थी, तो बल्गारिया के साथ हुई थी न्यूली की संधि। किसके साथ? बल्गारिया। ओके, तो याद रखेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 264, न्यूली की संधि किनके बीच हुई थी? न्यूली की संधि किनके बीच हुई थी? प्रसा ऑस्ट्रिया, अभी हमने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, बुल्गारिया मित्र राष्ट्र जर्मनी, जर्मनी ग्रेट ब्रिटेन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बुल्गारिया और मित्र राष्ट्र। ओके, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। न्यूली की संधि किनके बीच हुई थी? बुल्गारिया मित्र राष्ट्र। इस संधि में क्या हुआ था कि बुल्गारिया को बहुत भारी नुकसान हुआ था। नुकसान कितने का हुआ था? इसको $35 करोड़ युद्ध के हर जाने के रूप में इस पर थोपा गया था, है ना। जब संधि होती है तो क्या हुआ था, जो 1914 में लड़ाई हुई थी प्रथम विश्व युद्ध का, उसके बाद ये जब इसको मित्र राष्ट्रों के द्वारा बुल्गारिया का संधि हुआ था, तो इसमें बुल्गारिया पर $35 करोड़ युद्ध के हर जाने के रूप में थोपा गया था कि अब ये $35 करोड़ मित्र राष्ट्रों को देगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 265, ट्राइनान की संधि कब हुई? ट्राइनान की संधि कब हुई? 4 ऑप्शन है, 1919, 1920, 1921, 1922। तो जो भी छात्र अगर इस क्वेश्चन को जान रहे हैं, इसका आंसर आपको आ रहा है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके नॉलेज में ग्रोथ होगा। आप जो भी क्वेश्चन लिख देते हैं कमेंट में, इससे आपके नॉलेज में ग्रोथ होता है, आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं जो आप कमेंट में लिख देते हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखा करें, है ना। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में लिखा करें। ओके, तो बताना है, 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 1920। ट्राइनान की संधि कब हुई थी? 1920। तो बी आपका राइट ऑप्शन होगा। 4 जून 1920 को ट्राइनान की संधि होती है, किनके बीच? हंगरी के साथ। ट्राइनान की संधि जो होती है हंगरी के साथ 4 जून 1920 को होती है। ओके, इस संधि में होता क्या है कि ऑस्ट्रिया को हंगरी से अलग कर दिया जाता है। किसको? ऑस्ट्रिया को हंगरी से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और हंगरी की जो सीमा होती है उसको सीमित कर दिया जाता है। ओके, इस संधि के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 266, बालकन समझौता कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालकन समझौता कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, 1933, 1934, 1935, 1936। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1934। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बालकन समझौता कब हुआ था? 1934, यानी 9 फरवरी 1934 को हुआ था। बालकन युद्ध आपने सुना होगा, लेकिन बालकन समझौता आपने कम सुना होगा। बालकन युद्ध हुआ था 1912 ईस्वी में।
तो उसी युद्ध को समझाने के लिए एक समझौता हुआ जिसे बाल्कन समझौता कहा जाता है। ओके, तो याद रखेंगे बाल्कन समझौता कब हुआ, 9 फरवरी 1934 को। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 267, बाल्टिक समझौता कब हुआ, बाल्टिक समझौता कब हुआ ये बताना है। 1933, 1934, 1935, 1936 ये जो क्वेश्चन है फटाफट आंसर दीजिए। देखिए आपका एग्जाम आने वाला है, आप जरा सा भी लापरवाही नहीं कीजिएगा पढ़ने में। बिल्कुल आपका एग्जाम करीब आ गया है, एक या दो महीने में आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा, टाइम टेबल भी आ जाएगा। आप अभी तक लापरवाही कर रहे थे लेकिन अब बिल्कुल लापरवाही छोड़ दीजिए। सभी वीडियो ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखते हैं, पूछते हैं कि हाँ सर ये वीडियो अपलोड कर दीजिए, ये वीडियो अपलोड कर दीजिए। हालांकि जितने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं सभी सब्जेक्ट का लगभग हमने पूरा भी कोर्स करा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट से वीडियो देखिए, अगर देखना नहीं आता प्लेलिस्ट तो हमें बताइए, कमेंट में बताइए। ओके, और मेहनत से मन तन से आप लग जाइए, आप जरा सा भी टाइम गंवाने का आपके पास समय नहीं है। ओके, तो बताना फटाफट क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाल्टिक समझौता कब हुआ था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1933, ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाल्टिक समझौता कब हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 268, जून 1935 में लिटल ने किस देश के साथ नौ सैनिक समझौता किया, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 269, 7 मार्च 1934 को निम्नलिखित में से किसने रोम प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए, फटाफट आंसर बताइए कि 7 मार्च 1934 को निम्नलिखित में से किसने रोम प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए। चार ऑप्शन दिया है आपके सामने, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, प्रसा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रिया, बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज ही इस चैनल पर लेकर आते हैं। अगर आप इस चैनल के सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, जितने भी अपने सब्जेक्ट के वीडियो के क्वेश्चन हैं सभी तैयार कर लेते हैं, तो आप समझिए कि 80% नंबर आप ला सकते हैं एग्जाम में। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 270, प्रथम विश्व युद्ध कितने समय तक चला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कितने समय तक चला था। चार ऑप्शन है आपके सामने, 3 वर्ष 4 माह 12 दिन, 4 वर्ष 3 माह 11 दिन, 4 वर्ष 2 माह 10 दिन या 5 वर्ष 2 माह 10 दिन। बताना है फटाफट इसका, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपके के में हमेशा पूछा जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 वर्ष 3 माह 11 दिन, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये युद्ध चला था 4 साल 3 महीना 11 दिन तक चला था, कितने तक, 4 साल 3 महीना 11 दिन तक ये युद्ध। शुरुआत होती है इसकी 28 जुलाई 1914 से और बंद होता है 11 नवंबर 1918 तक। भीषण बमबारी होती है, दुनिया की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती है, है ना, असंख्य लोगों की जान जाती है, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है इस युद्ध का, इतना भयानक परिणाम होता है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 271, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया, ये पहले ससुराल लड़ नहीं रहा था लेकिन जब बाद में इसको पता चला कि ये हमसे कोई अधिक शक्तिशाली देश होने जा रहा है तो ये भी प्रथम विश्व युद्ध में कूद गया, और यही तो नागासाकी में बम गिराया था, बहुत बमबारी किया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया, कब शामिल हुआ ये आपको बताना है। 4 अगस्त 1914, 6 जुलाई 1915, 6 मई 1916 या 6 अप्रैल 1917। देखिए 6 अप्रैल 1917 को ये शामिल हो गया था। ओके, 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ओके, अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के कई रीजन थे, वो कभी नहीं चाहता था कि हमसे बड़ा कोई शक्तिशाली देश बने, इसलिए वो जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कब की थी, 6 अप्रैल 1917 को, याद रखेंगे डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 272, श्रम संगठन के लेखक कौन है,
श्रम संगठन के लेखक कौन हैं? सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्स, लुई ब्लां। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, लुई ब्लां। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। श्रम संगठन के लेखक कौन है? लुई ब्लां। तो डी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 273, कुल्टुर कैंप से क्या तात्पर्य है? चार ऑप्शन है, मजदूरों का राज्य से संघर्ष, राजनीतिज्ञों का चर्च से संघर्ष, श्रमिकों का चर्च से संघर्ष, या राज्य और चर्च का संघर्ष। देखिए ऑप्शन जो सही होगा डी, राज और चर्च का संघर्ष, है ना। कुटुल कैंप से क्या तात्पर्य है? राज और चर्च का संघर्ष। ओके, डी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 274, निम्नलिखित में से सही युग्म मिलाइए, निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। तो इसमें आपको सही जोड़े बनाना है। ओके, पहला है त्रिराष्ट्रीय समझौता। अगर आपको ये याद होगा तभी आप सही जोड़े बना पाएंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम अंदाजुआ लगा के चले आएंगे तो ये सब चौपट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं निकलेगा। जब आपको सभी सन याद होंगे समझौते के, युद्ध के, तभी आप सही जोड़े का मिलान कर पाएंगे। ओके, तो पहला है जैसे त्रिराष्ट्रीय समझौता कब हुआ था, तो कब हुआ था 1907 में। आपको याद होना चाहिए कि त्रिराष्ट्रीय समझौता कब हुआ था, 1907 में। तो इसको 1907 से मिला देंगे, यानी डी से मिला देंगे। ओके, दूसरा है कि हार्दिक समझौता कब हुआ था। हार्दिक समझौता जो हुआ था वो ये 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। तो इसको सी से मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या हुआ है कि पुनः आश्वासन समझौता, तो ये कब हुआ था? देखिए ये पुन वाला जो हुआ था ये हुआ था 1887 में। तो इसको बी से मिला देंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। तीन सम्राटों का संघ कब बना था? ये बना था 1872 में। तो इसको ले जा करके ए से मिला देंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 275, 28 जून 1914 को सराजेवो की में किसकी हत्या होती है? ऑस्ट्रिया के युवराज, फ्रांस के राजा, इटली के राजकुमार, ब्रिटेन के राजकुमार। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार। ओके, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मार दिया जाता है। कब मार दिया जाता है? 28 जून 1914 को। ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम क्या था? आर्क ड्यूक। ओके, जो फ्रांसीसी था लेकिन ऑस्ट्रिया का राजकुमार माना जाता है। हुआ क्या था कि संदेहवश किसको किसने मारा, तो उनको लगा कि सर्बिया के लोगों ने इसको मारा था, तो उसने सर्बिया से युद्ध छेड़ दिया और वही युद्ध धीरे धीरे चल के क्या हो गया था, विश्व युद्ध में बदल गया था। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया के युवराज। ओके, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 276, क्लेमेंसो किस देश का राष्ट्रपति था? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। तो ये जो था फ्रांस का था, क्लेमेंसो फ्रांस का राष्ट्रपति था। ओके, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 277, पेरिस शांति सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ये बताना है कि पेरिस शांति सम्मेलन कब आयोजित हुआ। चार ऑप्शन है, 4 मार्च 1919, 5 मई 1919, 8 मार्च 1920, 18 जनवरी 1919। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 18 जनवरी 1919, यानी डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये समझौता जो हुआ था ये 27 देशों के बीच हुआ था, यानी इस समझौते में 27 देश शामिल थे, है ना, 27 देशों ने भाग लिया था पेरिस शांति सम्मेलन में। तो 18 जनवरी 1919 को आयोजित हुआ था पेरिस शांति सम्मेलन। ओके, प्रश्न संख्या 278, वर्षाय की संधि के बाद किसने कहा था कि यह शांति नहीं, यह 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम है? बताना है कि जब पेरिस शांति समझौता हुआ या सम्मेलन हुआ तो किसने ये कह दिया कि ये कोई सम्मेलन नहीं है, ये कोई समझौता नहीं है, ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि 20 साल तक अब कोई युद्ध नहीं होगा। ये इस पर अत्याचार इसलिए हो रहा है कि अब किसी भी देश के बीच 20 साल तक कोई युद्ध नहीं होगा। तो ये बात किसने कही आपको बताना है। चार ऑप्शन है,
मार्शल कोच जॉनसन, हिटलर, विल्सन। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्शल कोच। ओके कोच लिखा हुआ है, इनको बोला जाएगा कोच, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 279, सेंट जर्मन की संधि किस देश के साथ की गई थी? बताना है इसकी सेंट जर्मन की संधि किस देश के साथ की गई थी? ऑस्ट्रिया मित्र राष्ट्र, फ्रांस मित्र राष्ट्र, जर्मनी मित्र राष्ट्र या रूस मित्र राष्ट्र? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रिया और मित्र राष्ट्र। सेंट जर्मन की संधि जो हुई थी ऑस्ट्रिया और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी, तो ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके प्रश्न संख्या 280, वर्षा की संधि के अनुसार जर्मनी ने यूपेन तथा मेलमेडी किस देश को दिए? तो जो जर्मनी, देखिए वर्षा की संधि कब हुई थी, 1919 में, तो उसमें क्या था कि जर्मनी ने यूपेन तथा मेलमेडी किस देश को दे दिए? बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लेविया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेल्जियम, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 281, सडोवा के युद्ध में किस देश की पराजय हुई? ये क्वेश्चन हम पिछले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। ओके आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा, ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। ओके चार ऑप्शन है, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, प्रशा। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रिया, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सडोवा के युद्ध में किस देश की पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की, तो सी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 282, जाल वेरिन क्या थी? इसके विषय में हमने पिछले वाले वीडियो में बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताया था, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस सीरीज के सभी वीडियो आप लोग एक से लेकर के जितने भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिए। ओके तो जाल वेरिंग क्या थी? चार ऑप्शन है, धार्मिक संस्था, राजनीतिक संधि, व्यापारिक संधि, सामाजिक संधि। देखिए ये एक संधि थी व्यापारिक, जाल वेरिंग क्या थी? जाल वेरिंग क्या थी? एक व्यापारिक संधि थी। ओके अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 284, डावेस योजना कब तैयार हुई? डावेस योजना कब तैयार हुई? 1920, 1922, 1924, 1928। देखिए 1924 में तैयार हुई थी, कब? 1924 में। डावेस योजना कब तैयार हुई? 1924 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 285, यह संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण कब बना? 20 फरवरी 1956, 20 फरवरी 1957, मार्च 1951, कोई नहीं। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 फरवरी 1957। यह संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण कब बना? 20 फरवरी 1957, यानी बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 286, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? बताना है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? चार ऑप्शन है, 1946, 1915, 1940, 1947। देखिए विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी, कब हुई थी? 1946, यानी ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 287, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की स्थापना कब हुई थी? ओके तो बताना है, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, जैसे ही आप बीए पास करेंगे तो आप कोई सरकारी जॉब करना चाहेंगे, उसके लिए आप कोई कोर्स करेंगे जैसे बीएड, बीटीसी, या फिर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे, रेलवे, पुलिस, बैंक, एसएससी, जो भी करेंगे, है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके बीए के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे और आगे आप कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे तो उसमें भी ये काम आएंगे, तो इसलिए आपको ये सभी चीज़ें बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। ओके तो बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन है, 1945, 1947, 1946, 1950। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1945, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 288, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई?
दिसंबर 1945, मार्च 1940, मार्च 1945, मार्च 1947। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1945 में हुई थी, तो ए आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, प्रश्न संख्या 289, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1961, 1962, 1965, 1960। देखिए 1 जनवरी 1961 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1961 को याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 291, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1952, 1955, 1956। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1951, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शरणार्थी मतलब वो होते हैं जो बाहरी देश से हमारे देश में आकर शरण लेते हैं, यहाँ की नागरिकता लेते हैं, है ना, यहीं रहने लगते हैं, तो उन्हें शरणार्थी बोला जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 292, किस वर्ष तक राष्ट्रसंघ ने कार्य किया? 1939, 1946, 1948, 1950। फटाफट बताइए आंसर क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1939, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस वर्ष तक राष्ट्रसंघ ने कार्य किया था? 1939 तक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 293, किस अधिनियम में यह प्रावधान था कि बादशाह के प्रति वफादारी की शपथ प्रत्येक सदस्य को लेनी होगी? 1858 का अधिनियम, 1859 का अधिनियम, 1860 का अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। 1858 का अधिनियम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति होगा उसके राज्य का, तो उसको उस बादशाह के प्रति वफादारी की शपथ लेनी ही है। ये 1858 का अधिनियम था, ध्यान देना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 294, राष्ट्र को के रूप में चित्रित किया गया था? किसके रूप में? रानी, महिला, मादा, राजकुमारी। राइट ऑप्शन हो जाएगा रानी। राष्ट्र को रानी के रूप में चित्रित किया गया था, किसके रूप में? रानी के रूप में, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना। प्रश्न संख्या 295, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग का प्रमुख अंग नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग का प्रमुख अंग नहीं है? असेंबली, काउंसलिंग, सचिवालय, न्यायालय। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यायालय, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लीग का प्रमुख अंग नहीं है, न्यायालय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 297, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? चार ऑप्शन है, 12 जनवरी 1921, 10 जनवरी 1920, 12 जून 1919, 4 जनवरी 1920। देखिए राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी ये 10 जनवरी 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 10 जनवरी 1920, यानी बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छोटा सा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ओके, याद रखना बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 298, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, फ्रांस, हेग, इटली। राइट ऑप्शन हो जाएगा जिनेवा। देखिए ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, आपके भी एग्जाम में पूछा जाता है, बीए में भी पूछा जाता है, लेकिन ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यालय कहाँ है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिनेवा। ओके, तो ए आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 299, निम्नलिखित में से किन देशों ने पवित्र संगठन का निर्माण किया? तो बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पवित्र संगठन, देखिए ध्यान दीजिए, पवित्र संगठन का निर्माण किन देशों ने किया था? उसमें रूस था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया था, यानी तीन देश थे, तो याद रखेंगे ये आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 300, यूनेस्को को संयुक्त राष्ट्र संघ से कब जोड़ा गया?
यूनेस्को को संयुक्त राष्ट्र संघ से कब जोड़ा गया? 15 अगस्त 1947, 14 दिसंबर 1946, 1948, 1950। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 दिसंबर 1946, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने पूरा वीडियो देखा। आपको वीडियो पसंद आया है, आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को प्रेस कर लिया है। दोस्तों अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करके जाना इस वीडियो को। ओके, थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को अपने मित्रों के साथ भेज दीजिए, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी सोशल नेटवर्किंग आप चलाते हैं उसके जरिए आप इस वीडियो को सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।